Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 4. We will continue our sixth chapter, the Junk Seller. Junk Seller की story है पूरी किसके ऊपर? किरण के ऊपर. जो एक junk seller है. Junk seller मतलब कबाड़ी वाले. तो उसके base पे हमने बहुत सारे songs किए हैं. तो किरण का red list अलग है. किरण जो junk collector है, जो boys है, जो फिर अभी हमें क्या करना है, ये किसकी प्राइस है?
किरण, श्री श्री मतलब किरण, तो मैं यहाँ पे किरण लिख रही हूँ, किरण किरण वो, तो वो उसने खरीदा कितने में, 630 में। जैसे एक सिंपल सी चीज एग्जांपल में देती हूँ कि तो अभी क्या होता है कि हम कोई चीजें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसमें से कोई चीज ज्यादा आ गई तो हमें ऐसा लगता है चलो हम इसे किसी को बेच दे, या फिर सिंपल सी शॉप होती है तो वो जहाँ से भी हम सिंपल सा सोच लो कि लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स है तो हम शॉप में लेने जाएंगे तो शॉप वाला वो हमें 100 रुपीज में देगा, बट उसने जिससे खरीदा है उसे 80 रुपीज में मिला होगा, तो उसे भी तो मुनाफा चाहिए ना, वो कैसे अपना बेनिफिट उसे मिलेगा, परचेज अगर वो परचेज कर रहा है तो उसके सामने सामने उसको उतनी अर्निंग भी होनी चाहिए तभी वो हमें वो उतने में देगा ना। अगर उसे वो ही बिग शॉप में से लंच बॉक्स 100 रुपीज का लाया और वो हमें 100 रुपीज में ही दे देगा तो उसे क्या बेनिफिट हुआ है ना, वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसकी शॉप चल ही नहीं पाएगी, खर्चा वो कैसे निकालेगा। तो वैसे ही किरण ने वो 63 रुपीज में 630 रुपीज में खरीदा, यहाँ पे लिख देते 630 रुपीज। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हाउ मच मनी डज सी अर्न रुपीज 63 kg, अभी वो कितना अर्न करेगी, तो किरण खान किरण अभी तो यहाँ पे हमें तीनों का यहाँ पे हमने किसकी प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग किया किरण की, पर यहाँ पे ये बॉस ने किरण की प्राइस लिस्ट लेनी है और अर्न ने तीनों वाली प्राइस लिस्ट से हमें क्वेश्चन करना है, यहाँ पे फिर पूरा लिखेंगे कि 1 kg इज इक्वल 1 kg प्लास्टिक, प्लास्टिक इज इक्वल, मैं ये सारी चीजें क्यों लिखती हूँ पता है, क्योंकि प्लास्टिक अगर आपने नहीं लिखा यहाँ पे नहीं लिखा है प्लास्टिक जैसे, तब यहाँ पे प्लास्टिक की जगह किसी और का आयरन का लिख दोगे तो ट्राई लिख दोगे, बट यहाँ पे आपको आपने प्लास्टिक लिखा तो आप फिर प्लास्टिक का ही आप रेट देखने जाओगे, यहाँ पे 12 के रेट लिस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे आएगा 12 rupees. ओके, सो इफ 1 kg प्लास्टिक इज इक्वल टू rupees 12, सो कितने केजी है 63 kg प्लास्टिक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही 63 मल्टीप्लाई 12 साइड में कर लेते हैं, रफ 63 मल्टीप्लाई 12 पहले क्या रख देना है 0, 1 3 3 1 6 6 2 3 6 और 2 6 12 यहाँ पे क्या है 756, 756 है तो यहाँ पे आंसर क्या है 756 rupees। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप नहीं हो गया क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, किरण फॉर 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10, तो 10 rupees के अकॉर्डिंग उसने खरीदा तो उसे कितने में पड़ा 630, और जब वो अर्न वो उसमें से कितना कमाए तो उसमें ही सेल्स, यहाँ पे अर्न की जगह सेल है किरण सेल, तो वो सेल कितने रुपीस में करती है 12 rupees पर केजी की बेस पे, तो उसे मिला 756। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों को सबट्रैक्ट करना है तभी हमें राइट फिगर मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा थर्ड स्टेप, देखो कितने स्टेप हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप, 756 माइनस 630, तो यहाँ पे 0 है तो 6 का 6, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 एंड 1 माइनस 6 करेंगे तो 1, दैट मीन्स उसने कितना कमाया अभी स्टेटमेंट में लिखना है, सो किरण अर्न किरण अर्न रुपीज 126, यहाँ पे
और 16 केजी प्लास्टिक। तो यहाँ पे देखो कितने 3 स्टेप में ये सारा क्वेश्चन। अभी क्या होगा कि आपको एक सम 3-3 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स वाले में ऐसे वाले बड़े बड़े सम्स आएंगे जहाँ पे वो खुद कितना कमाती है और उसमें से वो मतलब खुद कितने में लेती है, खरीदती है, फिर भी कितने में बेचती है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस और कितना उसने अर्न किया। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई। फर्स्ट है किरण फॉर 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10, बट सोल्ड ₹12। सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फ्रॉम 63 kg प्लास्टिक। तो पहले तो किरण के ने कितने में खरीदा, कितने रुपीज उसने परचेस किए वो आएगा, फिर उसने कितने रुपीज में बेचा, तो यहाँ पे वो हमें अमाउंट मिल जाएगी 756। फिर दोनों के बीच को सब दोनों रुपीज को हम सबट्रैक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो ओवरऑल 63 kg प्लास्टिक में से उसे कमाना कितना मिला, तो 126 रुपीज। तो ये एकदम अच्छी तरीके से समझ के स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में भी लिखना, तो आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी। अभी इसी के बेस पे हम दूसरा आयन का है वो टेक्स्ट बुक में है, तो वो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी किरण 32 kg आयन सेल करने जाती है, तो एंड हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg। किरण बाय 1 kg आयन फॉर ₹12 और किरण को यही शाम को मैं स्टेटमेंट से भी आएगा, किरण फॉर 1 kg कितने केजी 32 केजी, यहाँ 32 केजी का हमें कॉस्ट निकालना है,
अभी हमें आंसर मिल गया कितना आया, कितने वो अर्न करती है, कितने देती है ना। ये जो चीज है वो बाय करना, परचेज करना, मतलब इतने पैसे वो देती है। ओके, तो 384 रुपीस है ना। अभी 384 रुपीस उसने 32 केजी आयरन के ड्रम कलेक्टर को दिए। अभी वो जो सेल करने गए किरण से, तो 1 केजी पूरा लिखेंगे इस 1 केजी आयरन इज इक्वल टू रुपीस, यहाँ पे क्या आएगा 14, क्योंकि अभी ये किरण के बेस पे करना था ये वाला, और अभी जब किरण सेल करने गए तो उसे कितने मिले आयरन के चार्ट के हिसाब से 14 1 केजी। तो 32 केजी आयरन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज, मैं हर चीज में ये करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर भी आप लोग बहुत मिस्टेक कर दो। यहाँ पे ये करेंगे, अभी यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 32 होगा, इसको साइड में रख में कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 32। पहले क्या करेंगे, जीरो रख देना है क्योंकि नीचे टू डिजिट है, 3 4 12, ट्राई का नीचे टू कैरी वन होगा ऊपर, सॉरी ट्राई का टू नीचे और वन होगा ऊपर कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 2 4 12
सेम प्लास्टिक का जैसे किया वैसे ही हमने आयन का निकाला कि पहले उस वो कितने में लेती है परचेस करती है, फिर वो कितने में सेल करती है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंट माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सेम हियर थर्ड क्वेश्चन, किरण फॉर 1 kg ब्रास, मैं ये लॉक कर देती हूँ नहीं तो फिर आप क्या करोगे इसका स्मेलिंग। बोरो करेंगे 7 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 6, यहाँ पे
क्लियरिटी हो इसलिए बेसिक रिवीजन में हम बहुत सारा करें। थैंक यू।